দারুণ। কোথায় ছিলে দুষ্টু ছেলে লুকিয়ে এতকাল, হঠাৎ এসে চমকে দিলে একই তোমার চাল। আহা, কোথায় ছিলে দুষ্টু ছেলে লুকিয়ে এতকাল, হঠাৎ এসে চমকে দিলে একই তোমার চাল। ये आप सुन रहे थे, क्या नाम बताया आपने? नाम रेचा जी। रेचा, रेचा जी को। और ये रेचा और ये पीछे जो बाबू को सुने आपने, और ये भाई को जो गिटार में सुने, यहाँ पे हमारे और भी एक भाई है, ये समस्त जितने भी बच्चे और प्रतिभावान लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो ये सब के कैप्टन ऑफ द शिप हमारे बीच है। आप आइए, हम आपको रूबरू करवाते हैं कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर आर्यन के साथ। नमस्कार। आर्यन, सिलीगुड़ी सोशल मीडिया न्यूज और द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आर्यन, हमें बताइए कैसा लग रहा है आपको ऐसे ऐसे प्रतिभावानों को प्रमोट करके, उन्हें मोटिवेट करके उनके पथ पे आगे बढ़ाने में? मैं तो आज से 14 साल से, जब तो बचपन से ही मैं कर रहा हूँ, मतलब एनजीओ के साथ रहा हूँ, सब हेल्प कर रहा हूँ। हम लोग का एनजीओ है डिबीडांगा में, फिसलिया मर्सी मिशन, वहाँ पे हम लोग गरीब बच्चे लोग को पढ़ाते थे, उन लोग को बुक्स देते थे, और स्कूल भी हम लोग का है वो इस्लामपुर में। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जितना भी है यहाँ पे, हम लोग उन लोग को, हम लोग का जो न्यू फॉर्म है, जो वॉइस ऑफ सिलीगुड़ी ग्रुप है, और पे न्यू मेंबर के लिए ले रहे हैं। तो हम लोग का इधर है ऋतुराज भाई, हम लोग का जो मैनेजर है अभी, ऋतुराज भाई जो है। अच्छा, जो आप डेवीडंगा में एनजीओ चला रहे थे, उस एनजीओ का नाम क्या बताया? मिशन। अच्छा, इस एनजीओ के माध्यम से क्या क्या वर्क कर रहे थे आप लोग? यहाँ पे तो हम लोग का मेनली वो था, हम लोग का किशन एनजीओ था। अच्छा। तो वहाँ पे तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ते थे, हम लोग कंप्यूटर पढ़ते थे, वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होता था, बाइबल ट्रेनिंग होता था, और भी बहुत। अभी कंटिन्यू करवा रहे या नहीं? अभी तो मैं तो वहाँ पे एक्टिवली नहीं हूँ, वहाँ पे है पास्टर बोल के, जगन्नाथ बोल के, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जब इस संगठन को खड़े किए थे तो शुरुआती दौर में कितनी सारी समस्याओं का उस समय आपको सामना करना पड़ा था? उतना तो समस्या नहीं था, हम समस्या नहीं हुआ। अच्छा, इसका श्रेय बोले तो और प्रेरणा कहाँ से आता है आप तो सामाजिक कार्य के प्रति रुचि? मैं बोलना चाहता हूँ विवेक ओबेरॉय का, जो हम लोग का प्रिंस नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। वो हमें बहुत सा प्रेरणा दिया मुझे। हम लोग जब फॉर्म कर रहे थे, हम लोग ग्रुप बना रहे थे कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे करना चाहिए। उनका मोटिवेशन के लिए आज इतना बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ है शिविर में। अभी अभी तक जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से या राज्य सरकार के तरफ से कोई आर्थिक सहयोग आप लोगों को संगठन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा, हम लोग खुद से ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करना है खुद से ही। जो आपके मेंबर्स हैं उनके अपने फंड से आप लोग ये सारा प्रोग्राम को कर रहे हैं? हाँ, मेंबर्स फंड से कर रहे हैं। जो हम मेन मेंबर है हम लोग का, अर्चना मित्र, तपन रॉय, और भी है बाहर का कुछ जो हम लोग हेल्प करते हैं। अभी के जो युवा पीढ़ी है उसको अपने संगठन से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बोल रहा हूँ, अब हम क्या बोलेंगे, अभी तो युवा पीढ़ी तो जो है सिगरेट पीढ़ी गाजा में मस्त है, जितने भी चाहता वो मतलब थोड़ा आए पे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब बच्चे से जाकर मेंटेनिंग करते हैं, वन टू वन मेंटेन करते हैं, बोलते इधर आओ सीखो, हम फ्री में सिखाते हैं, ये कर रहे हैं अभी जितना हो सके हमसे। ओके दादा। सिलीगुड़ी, ये जो आपका वॉइस ऑफ सिलीगुड़ी सेशन 4 कब स्टार्ट होने वाला है? सेशन 4 तो अभी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हम लोग का और एक मेंबर था, वो उसको एक्सपायर हो गया, तो इसलिए थोड़ा देर हो गया। मतलब हम लोग अभी देर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग स्कूल वगैरह में बोल रहे हैं। हम लोग का और भी एक अपडेट था, हम लोग का ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा कॉलेज पाड़ा में। कॉलेज पाड़ा में कहाँ पे मिलेगा? हम लोग का जो आपका इसी मतलब रूम में यहाँ पे आके ले सकते हैं कोई भी। एक बार यहाँ का एड्रेस बताइए आप। सिलीगुड़ी तो मास्क खोल दो ना भाई, मास्क खोल दिया।
अरे कॉलेज पड़ा, सिलीगुड़ी कॉलेज पड़ा, आशुतोष मुखर्जी रोड में, जो नीच में सब भी है उसमें भी मिलेगा और ऊपर घर में भी मिलेगा। अच्छा, इसका एड्रेस बताइए। एटीएम रोड गासिसुल के ऑपोजिट, नियर बाय कॉलेज पड़ा, सिलीगुड़ी कॉलेज। आपका फोन नंबर और आर्यन भाई का फोन नंबर भी बोल दो, जो दर्शक सुन रहे हैं ना वो फोन से भी कॉन्टेक्ट करके आप लोगों से संपर्क कर सके। अच्छा, 8250183158 ये मेरा नंबर है, और आर्यन सर आप एक बार फिर से बोलिए आस्ते आस्ते। 8250183158 हम मेरा नंबर है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? ऋतुजीत कविराज। ठीक ठीक, आर्यन भाई आप अपना नंबर बोलिए, जो जो लोग ऑफलाइन लेना चाहे फॉर्म। मेरा नंबर है 8509195848। आपका कोई वेबसाइट या कोई पेज भी है क्या? वहाँ पे भी आप डिटेल्स दिए होंगे ऑफलाइन फॉर्म के? ऑनलाइन भी फॉर्म है, ऑफलाइन में अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा कुछ दिन बाद। अच्छा अच्छा, तो दर्शकगण जो आप देख रहे हैं हमारे सामने कैप्टन ऑफ द शिप, जैसे कि हमने आपको परिचय कराया, हर प्रतिभावान यहाँ पे जितने भी तमाम बच्चे को आप देख रहे हैं और छोटे छोटे जो सहयोगी हैं, हम उम्र हैं, ये समस्त भाइयों को कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्यार और अपने दुलार और अपने संस्कार को दे करके ना उन सभी को गढ़ा है, उन सभी को ऐसा योग्य बनाया है कि वो अपने आवाज़ के जादू को आज बिखेर सके। और आप जानते हैं संगीत, संगीत एक ऐसा मनोरम एक साधन है, जब किसी के जीवन में तनाव हो उस तनाव को क्षण भंगुर में दूर करता है। मैं ही पत्रकार, अभी जब थोड़ी देर पहले हमारे बीच इन्होंने जब जादू अपना बिखेरा तो मैं भूल गया था कुछ पल के लिए कि मैं पत्रकार हूँ। तो ये एक जादू होता है, और ये जादू का जादूगर ऑफ द जादू सामने बैठे हैं मिस्टर आर्यन, जो आपको बताएं अपना फ़ोन नंबर दिए, आने वाला टाइम में ये ऑफलाइन वॉइस ऑफ सिलीगुड़ी के लिए फॉर्म वितरण करेंगे। जिस भी कॉन्टेस्टेंट को इंटरेस्ट है उस नंबर पे आप संपर्क करके, या इनका एक पेज भी है सिलीगुड़ी वॉइस ऑफ सिलीगुड़ी के नाम से फेसबुक पे है, जो आप सर्च करके आप इनके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे आर्यन भाई? आज तो नहीं है, कोई है तो हम लोग। ठीक ठीक ठीक, बाय द वे आपको हमारे चैनल के सौजन्य से ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम। ठीक है, फिर आप लोग 100 ग्रुप फोटो हम लोग को दे दीजिए, फिर